सत श्री अकाल जी, नमस्कार। आज हिंदी में बात करेंगे क्योंकि हमारे संघर्ष को एक नया रूप दिया जा रहा है। अभी हम इस देश की एकता और अखंडता और इस देश का मान सम्मान उसको किसी तरह चोट पहुंचाना चाहते हैं। सो पहली बात ये आपके लिए बड़ी ज़रूरी है समझनी कि जब कोई ऐसा संघर्ष शुरू होता है जहां लोगों के जेन्युइन इमोशंस, उनके जेन्युइन कंसर्न या उनके जेन्युइन राइट्स जो हैं उसका ध्यान नहीं रखा जाता, उसको इग्नोर किया जाता है, तो लोगों के मनों, उनके दिल के अंदर, उनको उनके मनों के अंदर जो गुस्सा बड़े टाइम से एक उनके मन के अंदर जो गुस्सा रहता है वो किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन में जब ऐसा संघर्ष चल रहा हो या ऐसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसमें फ्लेयर अप हो जाता है। सो पहली बात तो ये है, आज इस सिचुएशन जो हुई उसमें वो गुस्सा फ्लेयर अप हो गया और इसमें किसी एक शख्सियत को अगर आप बोलें भी उसने भड़काहट की है, तो कभी भी संघर्ष, इतना बड़ा संघर्ष, वो किसी एक शख्सियत या एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं होता। इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है। दिल्ली के चार तरफ से बॉर्डर, जो हमारे किसान जथेबंदियां या हमारे लोग हैं उन्होंने चारों तरफ से वो बॉर्डर, एक ऑब्स्टैकल जो वहां बैरिकेड की हुई थी, बैरिकेडिंग, उसको तोड़ के आगे बढ़े, उसको तोड़कर आगे बढ़े और वो सब जैसे हम सब रेड फोर्ट की, लाल किले की तरफ चले गए। सो जब रेड फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया, इसलिए किया और पीछे उसके तिरंगा लगा हुआ है। सो जिस पोस्ट पे हमने झंडे लगाए उस पोस्ट के ऊपर कोई झंडा नहीं था और ये झंडा हमारी इस देश की डाइवर्सिटी, जो हमारी डाइवर्सिटी है उसकी पहचान है। देखिए आप डाइवर्सिटी को इस तरह मत देखिए, बी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का एक्चुअल मीनिंग, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी या हमारे गुरु साहिबान या श्री गुरु ग्रंथ साहब से हमने सीखा है, डिफरेंट बट इक्वल। सो डिफरेंट बट इक्वल जो डाइवर्सिटी है उसको समझने की कोशिश कीजिए। सो इस देश की एकता और अखंडता के ऊपर किसी ने सवाल नहीं उठाए हैं, किसी ने वहाँ से फिरकू और भड़काने वाली बातें नहीं की हैं। लाखों लोगों ने, इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन हुई, लाखों लोग इस बहाव में बहे, वो एक ऐसा बहाव है, अगर आप उस बहाव को नहीं समझेंगे और उसको सिर्फ आज की घटना को आइसोलेशन में देखने लगेंगे तो हम बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। ये एक पहले जो प्रोसेस चल रहा था उसकी कॉन्टिन्यूशन है। इतने समय से हमें 6-7 महीने हो गए ये प्रोटेस्ट करते हुए, उस प्रोटेस्ट में 6-7 महीनों की कॉन्टिन्यूशन है जो ये चल रहा है, जो आज हुआ। सो इसको आइसोलेशन में मत देखिए, ये घटना किसी ने सोच के या किसी ने प्लान करके किसी ने नहीं की है, ये एक जो बहाव है, एक फ्लो है, उस फ्लो में लोग संघर्ष में उन्होंने अपना प्रोटेस्ट सिंबॉलिकली जाहिर किया, जहां पहले उन्होंने निशान साहब और फिर किसान मजदूर एकता का झंडा लगाया और उसके पीछे तिरंगा लगा हुआ है। सो इस देश की एकता और अखंडता के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया है, हम सिर्फ ये चाहते हैं भी हमें मान सम्मान से रखा जाए और वो मान सम्मान हर सबको मिले। सो जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी को समझना है, सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को समझना भी हमें इस तरह पड़ेगा, डिफरेंट बट इक्वल एंड यूनाइटेड। सो ये जो फलसफे हैं या हमारे सिद्धांत हैं, कई बार हम सिद्धांतक तौर पे एक दूसरे से कोई डिफरेंट जो हमारी
बुद्धि होती है या डिफरेंट एक समझ रखते हैं, उसका मतलब ये नहीं हम एक दूसरे के खिलाफ हो गए। आज भी अगर किसानों ने या जो लोग गए थे दिल्ली, वो किसी को मारने थोड़ी गए थे, या किसी को हमने मारा हो, या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को हमने नुकसान पहुंचाया हो, या किसी दिल्ली वासी को हमने नुकसान पहुंचाया हो, या हमारे हाथ में कोई हथियार हो, हम तो अपने झंडे लेके गए और हमारे ट्रैक्टरों पे गए। अब इनको अगर आप क्रिमिनल या इसको आप फिरकू दंगों का या इसको एक ऐसा आप एक रंग दे देंगे भी, ये देखो ये तो शरारती आंसर हैं, ये तो गलत आंसर हैं, तो ये हमारे इतिहास में हमेशा ही होता आया है। जब भी कोई इतनी बड़ी एजिटेशन होती है सो हमेशा ही उसको हम ये बोल के भी देश की एकता और अखंडता को खतरा है, ये बोल के भी ये देखो ये तो फंडामेंटलिस्ट हैं या ये हार्डलाइनर्स हैं, हमेशा इस चीज़ में हम जो उनके बनते हक हैं, जो उनके बनते राइट्स हैं वो नहीं देते और उसको इग्नोर करने लग जाते हैं। सो आज हमारे पास समा या ये जो एक एक टाइम ऐसा आ गया है, इसका डिस्कोर्स ऐसा है, पहली मेरी बेनती ये है भी इसको आप आइसोलेशन में मत देखें। जो आज हुआ है वो कोई आज एक आइसोलेशन में या आज की घटना नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस था, उसकी कंटिन्यूशन है। और आज भी वहाँ सिंबॉलिकली हमने अपना रोष जताया है, बिना कुछ डिस्ट्रॉय किए, बिना किसी तरह की तोड़फाड़ किए, बिना किसी तरह हमने पब्लिक प्रॉपर्टी हो या हमारे पुलिस फोर्सेस हो या किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर हो, हमने बिल्कुल पीसफुली जो हमारा जमहूरी हक है, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, पीसफुली एक प्रोटेस्ट किया। और इस प्रोटेस्ट को अगर हम ये सोच रहे हैं भी इसको एक कोई शख्सियत या एक पर्सनैलिटी या एक आदमी इतना बड़ी मोबिलाइजेशन कर सकता है, सो ये बहुत बड़ी गलती होगी। आप लोगों के जेन्युइन कंसर्न समझिए, लोगों के इमोशन समझिए। एक मुझे ब्लेम करना है, किसी को भी ब्लेम करना, ये हमारी वही बात गलती होगी जो हम हमारे इतिहास में पहले से भी करते आए हैं। आज सबसे बड़ी ज़रूरत है भी हमें लोगों के इमोशंस को समझना चाहिए, उनके कंसर्न्स को समझना चाहिए, उनके सरोकार क्या हैं उसको समझना चाहिए और उस अकॉर्डिंगली हमें आगे डिसीजंस लेने चाहिए। मैं एक बार फिर आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी भड़काने वाली बात नहीं कर रहा है, हर इंसान यहाँ आपसी प्यार, भाईचारक सांझ और इस देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखता है। किसानों को प्लीज़ किसी अलग नज़रिए से मत देखिए, किसानों ने सिंबॉलिकली बड़े पीसफुली जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, जमहूरी हक है, उसको एक्सरसाइज किया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें दिया है, वो हमारा संविधान हमें देता है। और उसके आगे जो बात है, वहाँ फ्लैग पोस्ट पे कोई झंडा नहीं था, सो तिरंगा किसी ने नहीं उतारा, हमने सिर्फ अपना निशान साहब और हमारा किसान मजदूर एकता का जो हमारा झंडा है उसको वहाँ लहराया है। सो इतनी सी बात आपसे करनी थी मेरी तरफ से। आप सबको एक बार फिर निम्र बेनती है भी हम किसी को भड़काने के लिए ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, आज भी पीसफुल हैं, आप दिल्ली में देखिए सब पीसफुल हैं। और आज हम ट्रैक्टरों पे और खाली हाथ बैठे हैं, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ये झंडे हैं और कुछ नहीं है।